जयपुर से खबर, कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन आज भी जारी है। शहीद स्मारक पर सीएचए का धरना प्रदर्शन, सीएचए का धरना प्रदर्शन आज 30वें दिन भी जारी है। एक बार फिर से संविदा पर नियुक्ति की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। पूरे 30 दिन हो चुके हैं, अनशन पर भी 5 स्वास्थ्य सहायक हैं। तो देखिए, धरना प्रदर्शन तो जारी है ही, लेकिन अनशन पर भी अब 5 स्वास्थ्य सहायक आ चुके हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी काशीराम चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। काशीराम, देखिए, 30 दिन का समय, लगभग एक महीने से ज्यादा का समय बीत जाएगा, जब अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हर तरीका उन्होंने अपनाया, और आज तो 5 जो कर्मचारी हैं वो अनशन पर भी बैठ गए हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही है काशीराम? जी जी, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखाते हैं, हमारे कैमरा पर्सन यश माथुर एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा जो पांडाल है, शहीद स्मारक का जो स्थल है, पूरा भरा हुआ है सीएचए, और जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनका जोश आज 30वें दिन भी उसी तरह से बना हुआ है जैसा कि उन्होंने शुरुआत की थी। और यहाँ पर बड़ी संख्या में ये लोग जुटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और उनका जोश बढ़ाने के लिए एक छोटी बालिका है जो लगातार नारेबाजी कर रही है, और वो ये बता रही है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जिस तरह का कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नारा दिया था उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, उसी नारे को ये बच्चे दोहरा रही है, और उनके उस नारे को फिर जो उसके परिजन है यहाँ पर जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो उस नारे को दोहरा रहे हैं। तो उनका जोश बढ़ाने की यहाँ पर कवायद चल रही है, और जो जोश है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का, जो आंदोलन है वो लगातार यहाँ पर 30वें दिन भी चल रहा है, और उसमें किसी तरह की कमी नहीं दिख रही। राज्य सरकार से वार्ता के कई दौर हुए हैं, वार्ता की गई है, लेकिन किस तरह से वो वार्ता रही है इस बारे में एक बार हम मनोज धामू हैं जो कि इनके नेता हैं उनसे पूछेंगे। मनोज, किस तरह से आपका जो आंदोलन है वो रहा है, और अब कोई वार्ता की संभावना नहीं रह जा रही? देखिए, हमारा आंदोलन अब जिला स्तर पे जो सर्व समाज के लोग हैं सीएचए मिलके ज्ञापन दे रहे हैं, और इसी दिशा में 18 से 20 जिलों में ज्ञापन दे चुके हैं, आज भी कई जिलों में ज्ञापन देने हैं। तो इस तरीके से यह आंदोलन पूरी तरीके से जन आंदोलन बनता जा रहा है, और जिस तरीके की वार्ता की बात है तो वार्ता जब भी सरकार से होती है, कई दौर की वार्ता हुई है, तो सरकार पहले कंडीशन ये रखती है कि आप आंदोलन ख़त्म कीजिए, आंदोलन के बाद वार्ता होगी। ऐसा कोई आज तक के इतिहास में किसी भी आंदोलन में ये नहीं हुआ कि आंदोलन ख़त्म कीजिए उसके बाद वार्ता होगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, आंदोलन ख़त्म तभी होगा जब हमें नौकरी मिलेगी। तो हर एक जिले स्तर पर भी आंदोलन आप कर रहे हैं, राजनेताओं का साथ भी आपको मिल रहा है, अलग अलग पार्टियों के लोग भी आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है आपके आंदोलन? आगे हमारी रूपरेखा यही रहेगी कि 3 तारीख को गहलोत साहब का जन्मदिन है, उस दिन अगर हमने राजस्थान में इतने भयानक संकट में राजस्थान के लोगों का साथ दिया है, तो हम अशोक गहलोत जी की वाहवाही हुई है उस वजह से, तो हम 3 तारीख को गहलोत साहब के जन्मदिन पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहते हैं, उसकी परमिशन हम मांग रहे हैं यहाँ से, अगर मिलती है तो हम ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे, और फिर हम अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम 12 तारीख को यहाँ पे नरसेज महापंचायत रखने वाले हैं, उसमें किसान नेता भी शामिल होंगे और भी नॉन पॉलिटिकल लोग और भी शामिल होंगे, और आज यहाँ पे लगभग 12:30 बजे हनुमान जी बेनीवाल जो RLP के सांसद हैं और सुप्रीमो हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, और जहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को झुकाने की, तो हम ये कह देना चाहते हैं झुकने झुकाने की नहीं, हम सरकार को मनाने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे गहलोत जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे पिता तुल्य हैं, तो पिता को कोई भी बेटा झुकाना नहीं चाहेगा, तो हम सरकार को झुकाने की बात नहीं, हम अपनी मांगे मनवाने के लिए आए हैं, हम किसी को झुकाने नहीं आए हैं। तो बिल्कुल, देखिए, इन्होंने यही कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके लिए पिता तुल्य हैं, गहलोत सरकार को झुकाने की उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, और देखिए यहाँ पर जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है, बहुत सारे महिला कर्मचारी हैं जो यहाँ पर जुटे हुए हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पर आए हुए हैं, आंदोलन चल रहा है, आप घर परिवार को छोड़कर? 29 दिन से आए हुए हैं, 29 दिन से आंदोलन चल रहा है। 50 डिग्री तापमान हो रहा है, गहलोत जी सर को होश में है या नहीं है हमें नहीं पता, एक महीना हो गया हमें, हमारी तरफ सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई, यहाँ पे कोई नहीं आके हमसे पूछ रहा, अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं बुलाया गया, इतनी धूप है, इतनी कड़ी धूप में 28,000 बच्चे धूप में हैं, इतनी मतलब सरकार इतनी प्रॉब्लम में थी तब हमने साथ दिया, आज सरकार हमसे पूछ ही नहीं रही आके भी आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, जैसे हमें यूज एंड थ्रो वाला काम किया सरकार ने, जब हमारी जरूरत थी तब तो हमें मौत के मुंह में डाल दिया और अब हमें निकाल के फेंक दिया रोड पे, तो सरकार को होश नहीं है बिल्कुल भी। गहलोत जी सर क्या चाह रहे हैं बीएम से? जयती, कुल मिलाकर इन सब का कहना यही है कि जब राज्य सरकार को उनकी जरूरत थी
कोविड स्वास्थ्य जब फैला हुआ था, भयंकर महामारी के रूप में फैली हुई थी, उस समय कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सरकार का साथ दिया और पूरी तरह से मरीजों के लिए प्रति जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अब जब उनकी ज़रूरत नहीं रही है तो उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है, उनको जो संविदा कैडर है उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो उस सब मांगों को लेकर यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायक जुटे हुए हैं और न केवल जयपुर में बल्कि हर एक जिले स्तर पर भी इनका आंदोलन जारी है। जी काशीराम, देखिए 30 दिन का समय बीत चुका है, 1 महीने का समय काफी लंबा समय होता है इस तरीके के आंदोलनों के लिए और धरना प्रदर्शन वहां जारी है। लेकिन 1 महीने में हमने देखा कि सीएचए के प्रदर्शन में हर रोजाना एक रणनीति के तहत धरना प्रदर्शन दिया जाता है। जिस तरीके से देखा बीते 2 दिन पहले अपने खून से चिट्ठियां लिखी गई, उससे पहले भी कई अलग अलग तरीके अपनाए गए। आज वहां पर 5 जो सीएचए हैं वो अनशन पर बैठे हैं, क्या मुमकिन है आप उनसे बातचीत कर पाए, आसपास के लोगों से किस तरीके से अनशन रखने वाले हैं, चूंकि हनुमान बेनीवाल भी पहुंच रहे हैं आज, ये जानकारी वहां से आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जयती 45 डिग्री के करीब तापमान पहुंचने को आ रहा राजस्थान में और उस तपती धूप में आज 5 स्वास्थ्य सहायक हैं जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं। आप अगर यहां पर देखेंगे तो ये जो 5 कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं, इतनी तेज धूप है उसके बावजूद धूप में वो डटे हुए हैं। उनका कहना यही है कि वो जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, संविदा कैडर में उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनका जो अनशन है वो जारी रहेगा। आप लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना चल रहा था, अब अनशन ने भी रूप ले लिया है, आज दिन भर इतनी धूप रहेगी, कैसे सहेंगे इसको? सहेंगे सर, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हम धूप क्या सब कुछ सहने के लिए तैयार है सर, सीधी सी बात है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे जल्दी से जल्दी माने सर। ना आज आप खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे और इस तरह से अनशन रहेगा? हाँ जी, हम बिल्कुल 30 दिनों से बैठे हैं यहाँ, बिल्कुल हम भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस कड़ी धूप में मुश्किल से 5 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में ये दिन भर यहाँ पर धूप में बैठे रहेंगे और एक संदेश देंगे राज्य सरकार को कि उनकी मांगे मानी जाए, उनके जो 28,000 लोग हैं ये कोविड स्वास्थ्य सहायक, कहीं ना कहीं मांगे मानी भी जानी चाहिए, चूंकि 30 दिन से ज्यादा का समय। फिलहाल शुक्रिया।